गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कशन द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। इन लोअर एनिमल्स लाइक द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा पैरामीशियम इन सच काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स द water that they enter into their body by simple diffusion as the water enter here it carry oxygen and during the metabolic activities they produce carbon dioxide oxygen come into the body through the water along with the water pani aaya oxygen aaya एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगेन डिजॉल्व इन टू द वॉटर पानी गया कार्बन डाइऑक्साइड ले गया देर इज नो नीड ऑफ एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन किसी सिस्टम की जरूरत ही नहीं है लाइक दिस इन केस ऑफ द हाइड्रा यू कैन इमेजिन लाइक दिस This one is the hydra and these are the tentacles. ये इसे यहाँ पर क्या होता है बच्चों tentacles. These are the tentacles. Here there is a single opening that is known as mouth. Along with the mouth, as it opens the mouth, water enter here. This water come in contact with all the cells of inner side. When this mouth open, this water goes outside. अंदर आया ऑक्सीजन आया बाहर गया कार्बन डाइऑक्साइड लेके चला गया along with the undigested food. Outer cells like this, these are directly contact with the water. यहाँ पर पूरा water है. They are directly contact with the water. बात समझ में आ गई तो बच्चों इन लोअर एनिमल्स देयर इज नो नीड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन बट इन केस ऑफ द हायर एनिमल्स जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है दे नीड एन स्पेशल ऑर्गन एंड स्पेशल अरेंजमेंट टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स from the one part of the body to another. Exchange of gases taken place in the lungs, but the oxygen utilized in all the body parts. सारे body parts को यहाँ पर क्या करना है oxygen को utilize करना है और जब utilize करना है तो they need supply of oxygen. Utilize करेंगे they will produce carbon dioxide as a result. And this carbon dioxide again carry towards the from all the body cells, all the body organs to the lungs. Here exchange of gases take place, and by exchange of gases, the carbon dioxide release out with the air. Exhalation. Now look here. Transportation in human. And in human transportation occur through the blood circulatory system. Blood circulatory system consists three parts: heart, blood, and blood vessels. अब इन सबके बारे में बच्चों एक एक करके डिटेल से बातचीत करते चलते हैं. तो बच्चों सबसे पहले एट फर्स्ट लुक हियर ब्लड और ब्लड इट्स अमाउंट अबाउट 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट. हमारे बॉडी वेट का कितना परसेंट 7%. अगर हम कहें 60 केजी वेट वाला कोई पर्सन है तो उसके अंदर
टोटल वेट, टोटल ब्लड कितना होगा, अबाउट 5 लीटर, एवरेज कितना है 5 लीटर, किसमें 60 kg वाले में। तो बच्चों अगर कोई पर्सन, इफ अ पर्सन हैविंग 40 kg वेट, तो उसके अंदर 5 लीटर थोड़ी होगा, उसके अंदर कुछ कम होगा, अबाउट 4 लीटर समथिंग हो जाता है। इसी टाइप से हमारे अंदर एम ऑफ 80 kg, तो मेरे अंदर 5 लीटर थोड़ा ज़्यादा होगा, 6 लीटर करीब होगा, 6 लीटर, 6.5 लीटर, राइट। दिस इज दी ब्लड, ब्लड कंसिस्ट टू पार्ट्स, लुक हियर एज यू आर ऑब्जर्विंग हियर, ब्लड कंसिस्ट टू पार्ट, ब्लड प्लाज्मा एंड सेकेंड वन ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा फॉर्म अबाउट 55% पार्ट ऑफ टोटल ब्लड। कितना पार्ट बनाती है बच्चों ब्लड प्लाज्मा, 55% ऑफ टोटल ब्लड, पूरी ब्लड का 55% पार्ट ये ब्लड प्लाज्मा बनाती है। एंड नाउ ट्राई टू डिस्कस, ट्राई टू लर्न दी ब्लड प्लाज्मा पोर्शन इन डिटेल। तो ब्लड प्लाज्मा हैविंग 92% पार्ट ऑफ दी वॉटर, ब्लड प्लाज्मा 92% पार्ट इज दी वॉटर, रिमेनिंग 8% प्रोटीन्स। अब इसके अंदर वाटर के अलावा जितने भी जो ब्लड के अंदर जो भी मटेरियल है, लिक्विड पार्ट, ब्लड प्लाज्मा इज दी लिक्विड पार्ट ऑफ दी ब्लड, ब्लड प्लाज्मा इज दी लिक्विड पार्ट ऑफ दी ब्लड। इट कंसिस्ट ऑल दी प्रोटीन्स, डाइजेशन हुआ, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, मिनरल्स, ऑल काइंड ऑफ दी न्यूट्रिएंट्स आर देयर अलोंग विद दी। अब क्या हुआ, एक्सक्रीटरी वेस्ट, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट भी कहा गया, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब भी कहा जाए बच्चों हमारे ब्लड प्लाज्मा में। एंड अलोंग विद दीज हॉर्मोन्स आर ऑल्सो, ब्लड कैरी हॉर्मोन्स, तो ये हॉर्मोन्स भी कहा जाएंगे हमारे इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर। तो ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट 92% वाटर, रेस्ट 8% ऑल काइंड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, व्हाटएवर इट इज, यूरिया, यूरिक एसिड, मिनरल, ये सब कितना परसेंट, 8%। दिस इज द ब्लड प्लाज्मा पोर्शन ओवर। ब्लड प्लाज्मा इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। जो ब्लड कैरी करने का काम करता है बच्चों, वो ब्लड, ब्लड नहीं, कौन कैरी करता है इन सबको, ब्लड प्लाज्मा, एक्चुअल में कौन कैरी करता है, ब्लड प्लाज्मा। नाउ लुक हियर ब्लड कॉर्पसल्स, दिस इज द पोर्शन ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। विच वन, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। RBCs रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, प्लेटलेट्स, बस प्लेटलेट्स, राइट। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, दीज आर रेड इन कलर, दीज आर कलरलेस। नाउ RBCs आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, क्या कहेंगे बच्चों, RBCs आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RBCs, RBCs हैविंग, देखो तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यस अब दिख रहा है। सो लुक हियर, RBCs हैविंग अ रेड कलर पिगमेंट, एंड दिस रेड पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन, RBCs हैविंग अ रेड कलर पिगमेंट एंड दिस पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। बच्चों इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारी RBC का कलर कैसा होता है, रेड। RBCs आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे RBC का कलर कैसा होता है, रेड। रेड का कलर कैसा है, रेड। हीमोग्लोबिन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, कैरी ऑक्सीजन। व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, इट कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन
आरबीसी में कौन करता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेन फंक्शन, इट कैरी ऑक्सीजन। तो आरबीसी का मेन फंक्शन क्या हो गया, इट इज इट कैरी ऑक्सीजन। नाउ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी मेन फंक्शन, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की आर्मी होती है बच्चों, ये हमारी बॉडी की आर्मी होती है। अभी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। दे किल द जर्म्स, ये जर्म्स को खा जाती है। दे किल द जर्म्स, जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। दैट्स व्हाई देयर मेन फंक्शन इज द प्रोटेक्शन, प्रोवाइड इम्यूनिटी। यहां लिख देते हैं, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमें डिजीज से, डिजीज से लड़ने की ताकत देती है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ अगेंस्ट डिजीज, फाइट विद दी डिजीज। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट जब भी बच्चों को चोट लग जाती है, व्हेन वी गेट इंजर्ड, तो ब्लीडिंग होने लगती है। इस ब्लीडिंग को कौन प्रिवेंट करता है, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करती है हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्रिवेंट दी ब्लीडिंग, और इस ब्लीडिंग को रोकने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग। क्या कहते हैं बच्चों, क्लोटिंग ऑफ ब्लड या ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंट ब्लीडिंग, ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो इस ब्लीडिंग को कौन रोकता है, हमारे थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या हो गया, इट प्रिवेंट दी ब्लीडिंग। ठीक है बच्चों,